सर लैपटॉप है, हमें भी तो दिख रहा है स्क्रीन में। हाय जो बात पीयूष एक बात बोलोगे? बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं करनी, बातें नहीं, बातें नहीं करनी बच्चों, ठीक है? तब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ अभी दिख रही है, दिख रही आपको वो दिखाई दे रही होगी अब स्क्रीन। देखिए दिखेगी अभी, दिखेगी चलो देखिए ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, जो अभी हमने क्लास की इस शुरुआत में रूल्स पढ़े थे ना, वही रूल्स है, मैंने नीचे फिर से लिख दिए। देखिए एक्सरसाइज 3.5 है, उसमें ये रूल्स का यूज होता है, ठीक है? तो आपको इस ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स है, क्या आपको ये स्टेटमेंट्स दिखाई दे रही हैं? दिखाई दे रही है। देखिए सबसे वन का ए, ठीक है? अभी मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? अभी मुझे बासु सिंह दिखाई दे रहा है। बासु सिंह बताओ जरा बेटा, वन का ए जो स्टेटमेंट है क्या है, और ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है, जरा समझाओ मेरे को। वन का ए वन का ए जरा समझाओ एक बार, क्या लिखा हुआ है? अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो 9 से डिविजिबल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, पूछ रहा है, ये बता रहा है कि ऐसा होता है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू। तो बासु सिंह ने कहा ट्रू है, कि ये कह रहा है कि अगर 3 से डिविजिबल है कोई नंबर, ठीक है, 3 डिवाइड 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है। अच्छा अब ये बताओ 9 डिवाइड करेगा क्या 6 को? यस सर। 9 डिवाइड करेगा क्या, बताओ? नहीं करेगा ना, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है? 9 डज नॉट डिवाइड 6, 9 6 को थोड़ी डिवाइड करेगा, ठीक है? समझ में आया? ये मैंने काउंटर एग्जांपल दिया है, क्या दिया ये? इसको बच्चों क्या कहते हैं हम? काउंटर एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है? काउंटर हो गया, इस स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया मैंने, ठीक है? इस स्टेटमेंट को काउंटर कर दिया कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है ये, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है वासु सिंह के अलावा, आप देखिए। रामचरण बी वाली स्टेटमेंट बताइए बेटा, क्या लिखा हुआ है? इफ अ नंबर इज इंडिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल। अच्छा क्या ये ट्रू है? नो सर, फॉल्स है। फॉल्स है, फॉल्स है। Yes, sir. अच्छा yes, एक बार को yes, अभी हम देखो ये वाला रूल हमने पढ़ा था ना, ये पहले वाला रूल पढ़िए, फर्स्ट वाला रूल पढ़िए क्या लिखा हुआ है? देखिए आपसे कह रहा है 9 जो है डिवाइड करता है, 9 डिवाइड्स मान लीजिए 45 है ना, 9 डिवाइड्स 45। तो अभी मैंने आपको बताया ना, अगर 9 45 को डिवाइड करेगा तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स क्या है इसके, 3 और 3 है ना, तो इसके जो फैक्टर्स है 3 वो भी डिवाइड करेगा 45 को। ये पहला रूल बताया था मैंने क्लास के स्टार्ट में,
अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, तो उस नंबर के फैक्टर्स भी डिवाइड करेंगे। देखो मैंने बताया था क्लास की शुरुआत में ही बताया था, देखिए 24 120 को डिवाइड कर रहा था ना, 24 120 को डिवाइड कर रहा था, तो 24 के जो फैक्टर्स थे 2, 3, 4, 6, 8, 12 वो सभी के सभी देखो 120 को डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो सिमिलरली यहां पे 9 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है नंबर को 45 को, तो 9 का जो फैक्टर 3 है वो भी हमेशा डिवाइड करेगा 45 को। तो बच्चों जो बी है वो ट्रू होगा, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, समझ में आया। वो फर्स्ट वाला रूल यूज किया था हमने, चलिए रामचरण वेरी गुड, ठीक है। अच्छा सूरज, सूरज सूरज बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सूरज क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा थर्ड स्टेटमेंट बताइए, पढ़िए एक बार। A number is divisible by 18 if it's divisible by 3 and 6. कह रहा है कि अगर एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो डिविजिबल होगा 18 के, तो वो अगर वो 6 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, ये रूल नंबर 2 पढ़ा था, रूल नंबर 2 याद करो क्या लिखा है। रूल नंबर 2 दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो उसमें हम क्या करते थे, देखते थे पहले जो दो नंबर लिखे हुए हैं वो को प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, को प्राइम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 और 6 दिया हुआ है, 3 and 6, क्या ये दोनों को प्राइम है? को प्राइम अलग होता है, को प्राइम मतलब इनके कॉमन फैक्टर्स 1 आने चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं आने चाहिए। तो देखो पहले फैक्टर निकालो, इसका क्या होगा, फैक्टर 3 का क्या होगा, 1 1.3, फैक्टर 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1.2.3.6 होंगे। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 आया और 3 आया, इसके कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 2 और 6 के, सॉरी 3 और 6 के, 3 एंड 6, इसका कॉमन फैक्टर 1 एंड 3 आया। और को प्राइम होने के लिए आपका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, को प्राइम होने के लिए आपका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। तो क्या ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं 3 और 6? नहीं है। No, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है, अगर 3 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और 6 भी किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 6 24 को भी डिवाइड करेगा, 3 भी 24 को डिवाइड करेगा, 3 8 24, 6 4 24, है ना। मगर जरूरी नहीं है कि इनका प्रोडक्ट जो 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है, जरूरी नहीं है 18 जो है डिवाइड करेगा, क्या 18 24 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा ना, ठीक है, 18 does not divide 24। अगर इसका कॉमन, अगर ये दोनों को प्राइम होते ना, अगर ये दोनों को प्राइम होते तो बाय जो यहाँ का जो थर्ड रूल है, जो थर्ड रूल है सॉरी सेकंड वाला जो रूल है, उससे आप डायरेक्टली कह सकते थे कि इनके प्रोडक्ट से भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स। हेलो हेलो, मीटिंग में जाना है।
अच्छा क्या बताया मुझे हरीश हरीश दो हरीश है क्या यहाँ पे हरीश खामकर हरीश खामकर बेटा डी वाला बताओ आप यस सर डी वाला बताओ डी वाला पढ़िए सुयोग 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 आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सुयोग क्या आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं ही बता देता हूं ठीक है इसमें कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90 तो आप पहले चेक करो क्या 9 और 10 को प्राइम है कि नहीं है चेक करो को प्राइम है कि नहीं है पहले चेक करिए बताइए को प्राइम है कि नहीं है नो सर को प्राइम नहीं है ये नो सर नो सर को प्राइम नहीं है ये नो सर देखिए फैक्टर्स निकालिए बच्चों आपको वो वाला अब आपको क्या करना है वो वाला जो एक्सरसाइज है जो कॉमन फैक्टर्स वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको फिर से जाके करनी है आप सभी मेरे को गलत आंसर दे रहे हो इतनी देर से आपको को प्राइम याद ही नहीं आ रहा क्या होता है ठीक है तो आप लोग आज जाके वाली एक्सरसाइज फिर से करोगे ठीक है 1, 3, 9 ये इसके फैक्टर्स होते हैं इस 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1, 2, 5, 10 अब ये देखिए कॉमन फैक्टर क्या है इनका सिर्फ 1 है ना कॉमन फैक्टर 9 और 10 का कॉमन फैक्टर ऑफ 9 and 10 1 आया दैट मींस 9 and 10 आर को प्राइम ये आज जाके आप वाली एक्सरसाइज फिर से करोगे ठीक है वो मैंने उसकी वीडियो भी बना रखी है जिसको डाउट आता है वो वीडियो देखेगा आज आपको फिर से को प्राइम पढ़ना है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये को प्राइम ठीक है आप सभी गलत बोल रहे हो ठीक है तो आपको पता लग गया 9 और 10 को प्राइम है ठीक है 9 और 10 को प्राइम है तो देखिए जो रूल नंबर 2 था यहाँ पे रूल नंबर 2 कह रहा था अगर कोई दो को प्राइम नंबर है ठीक है अगर कोई दो को प्राइम नंबर है यहाँ पे देखिए हमने 9 और 10 निकाले हैं तो देखिए अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है 9 उसको डिवाइड करता है ठीक है और 10 भी उसको डिवाइड करता है तो इन दोनों का मल्टीपल 9 और 10 का मल्टीपल क्या होता है मल्टीप्लाई कर सॉरी प्रोडक्ट कितना होगा 9 और 10 का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों 9 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है बच्चों 90 भी देखिए अगर 9 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और 10 भी उसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 90 भी उसी सेम नंबर को डिवाइड करेगा ठीक है अगर 9 भी कोई नंबर n को डिवाइड कर रहा है और 10 भी किसी नंबर n को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 9 और 10 का 90 भी उसी नंबर को डिवाइड करेगा ठीक है अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं देखिए 9 जो है वो 180 को डिवाइड करता है कि नहीं करता देखिए एक बार करता है क्या 9 180 को डिवाइड करता है बताइए बच्चों 9 2 80 0 अच्छा क्या देखिए 10 डिवाइड करता है क्या 180 को 10 डिवाइड करता है क्या 180 को ठीक है तो आप डायरेक्टली इसको कह सकते हो कि 90 भी डिवाइड करेगा 180 ठीक है डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 90 भी 180 को डिवाइड करेगा तो ये जो हमें दिया हुआ था 1 का जो D था ये ट्रू था ये ट्रू है ये ठीक है ये
ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू निकला। अच्छा अब ओमकार बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओमकार बेटा ई वाला पढ़ को पढ़ो। कह रहा है कि अगर कोई दो नंबर को प्राइम है, ठीक है, वन का ई कह रहा है, अगर कोई दो नंबर को प्राइम है, ठीक है, ये दोनों को प्राइम है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर वन है, तो वो कह रहा है इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर होगा, इन दोनों में से कोई एक या तो ये प्राइम होगा या तो ये प्राइम होगा, ये कह रहा है अगर ये दोनों को प्राइम है तो क्या बताओ, ये सच है कि गलत है, क्या बताओ? ऐसा होगा? ट्रू है सर, ट्रू। कौन बोल रहा है ट्रू? यस सर, सर फॉल्स होगा बच्चों। देखो देखो क्यों, अभी अभी हमने देखो, अभी अभी हमने देखो ऊपर ही सवाल किया है, देखो ऊपर ये जो सवाल किया है इसमें हमने देखा क्या, 9 और 10 क्या है, 9 और 10 क्या देखा हमने, 9 and 10 आर क्या थे, को प्राइम थे ना ये, अभी अभी हमने किया देखो, 9 के फैक्टर्स निकाले थे और 10 के फैक्टर्स निकाले थे, दोनों के कॉमन फैक्टर वन आया था कॉमन फैक्टर, 9 और 10 कॉमन को प्राइम आए थे, अब ये देखिए 9 और 10 को प्राइम है। अच्छा अब क्या ये बताओ, 9 क्या प्राइम नंबर है, क्या 9 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ये? यस सर। कौन बोल रहा है ये? देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो वन की टेबल में आए या तो खुद की टेबल में आए, तो क्या होता है 9 क्या वन की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है और किसी और की टेबल में नहीं आता क्या? 9 3 की टेबल में भी तो आता है, तो ये प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम। वेरी गुड। अच्छा क्या 10 प्राइम नंबर है? टेन जो है देखो 1, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में तो चलो आता ही है, ठीक है, ये भी देखो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये मैंने आपको दिया एक काउंटर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट का, ठीक है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, 1 का ई जो है? फॉल्स होगा, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, जरूरी नहीं है, देखो उसका आंसर हमें ऊपर ही लिखा हुआ था 9 और 10 के रूप में। क्या हुआ सर? आप किसी को मेरी आवाज आ रही है साफ? Yes. साफ आवाज आ रही है? Yes, sir. साफ आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर अब आ रही है। तो देखिए 1 का F पढ़िए फटाफट फटाफट, 1 का F पढ़िए। All number which are divisible by 4 must also be divisible by 8। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? आइए फॉल्स है। अच्छा फॉल्स क्यों है ये भी बता दो। फॉल्स क्यों है बच्चों बताओ? यस सर। कोई काउंटर एग्जांपल दो मेरे को, काउंटर एग्जांपल दो इस स्टेटमेंट के लिए। सर
देखिए 4 डिवाइड करता है 20 को, करता है कि नहीं करता? करता है डिवाइड 4 20 को, 4 5 20। आवाज नहीं आ रही क्या? पर क्या 8 डिवाइड करता है 20 को? यस सर। तो ये फॉल्स हो गए। नो सर, नॉट सर, डिवाइड 20। ठीक है, 4 तो डिवाइड कर रहा है देखो 20 को, मगर 8 डिवाइड नहीं करता 20 को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अदर वे ट्रू होता है इसका। ठीक है, अगर 8 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है ना, अगर 8 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 4 उसका फैक्टर है, 4 उसका फैक्टर है ना, तो जो रूल नंबर 1 था उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि 4 भी उसको डिवाइड करेगा, मगर अदर वे जो है इसका ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, वो फॉल्स हो सकता है कई बार। तो देखिए, जी वाला देखिए, जी वाला रुक जाइए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। तो ये जी वाला देखो बच्चों, जी वाला, भार्गवी, भार्गवी बेटा जी वाला बताइए, खड़ी है एक बार, अभी अभी मैंने बता दिया ये। देखिए कोई नंबर है, कोई नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, 8 डिवाइड्स दैट नंबर, राइट। तो पूछ रहा है क्या 4 भी उसी नंबर को डिवाइड करेगा, क्या 4 डिवाइड करेगा उसी नंबर को? तो मैंने अभी आपको पहला रूल बताया था ना, अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर्स भी उसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, 4 है ना। तो 4 देखो फैक्टर है ना 8 का, 4 जो है 8 का फैक्टर है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई 4 है। हाँ, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो, अरे हाँ बिल्कुल, 4 जो है 4 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 डिवाइड्स दैट नंबर। आप देखो 8 जो है, देखिए 40 को डिवाइड करता है, तो देखिए 4 भी देखिए डिवाइड करेगा 80 को, है ना, सॉरी 40 को, 4 टेंस ऑफ 40। ये हमने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला रूल था वो वाला यूज किया है, जो रूल नंबर फर्स्ट था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, 4 जो है 8 का फैक्टर है, तो ये भी सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। अच्छा, H वाला कौन बताना चाहेगा? H वाला नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए। पीयूष बेटा बताओ, अभी आपने नहीं बताया, ले पीयूष, पीयूष बता दो, पीयूष बता दो। सर मैं, ये सर बाय द वे बच्चों, ये ट्रू है। ठीक है, जी वाला ट्रू आया था। ठीक है, जी वाला ट्रू होगा। ठीक है, जी वाला ट्रू है। एच बताओ, एच वाला भी देखो ट्रू है, एच वाला भी ट्रू है। अभी हमने पढ़ा था ना, अगर कोई नंबर, अगर कोई नंबर हमने जिसमें 2 का एग्जांपल लिया था, 2 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और 2 किसी दूसरे नंबर को भी डिवाइड कर रहा है बी को, तो 2 जो होगा उनके सम को भी डिवाइड करेगा, ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने एग्जांपल किया था ना 36, ठीक है, और 50 का लिया था जिसमें। ठीक है, आई वाला देखिए क्या है, आई वाला, देखो
बताइए आई वाला ट्रू है कि फॉल्स, क्या होगा बताइए। ये कह रहा है कि कोई नंबर है, कोई नंबर है वो डिवाइड करता है कि नहीं दो अलग अलग नंबर्स के सम को, ठीक है। कोई नंबर है जो कि डिवाइड करता है दो अलग अलग नंबर्स के सम को, तो कह रहा है कि जो C होगा ना वो A को भी डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा और C जो है B को भी डिवाइड करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों बताइए। अगर मैं देखो बच्चों C को 2 ले लूं और A को ले लूं 3 और B को ले लूं 5, इन दोनों का सम क्या होता है, 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है। तो क्या 2 जो है 8 को डिवाइड करता है बच्चों, पहले ये बताओ। 8 2 4 का करेगा। अच्छा अब देखो ये स्टेटमेंट कह रही है अगर ऐसा होता है ना तो ये जो नंबर है इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। अच्छा तो ये बताओ क्या 2 डिवाइड करेगा 3 को, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या 2 5 को डिवाइड करता है? क्या 2 5 को डिवाइड करता है? तो आप इसके आगे लिख दोगे does not divide 5, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है ये फॉल्स है, ठीक है। बच्चों आज की क्लास खत्म करते हैं, एक घंटा हो गया। अभी हम जो अपनी 11:30 बजे वाली क्लास है ना उसमें मिलेंगे, ठीक है। 11:30 बजे वाली जो क्लास है तब तक आप रिलैक्स करो, ठीक है। चलिए बाय बच्चों, बाय सर, बाय बच्चों, बाय। हाँ आज बेटा आपका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है बेटा। हाँ बेटा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है ना, तो फिर हमें थोड़ा स्पीड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसको जो कुछ समझ में नहीं आता वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो बच्चों अब लेफ्ट करो, फटाफट फटाफट लेफ्ट करो बच्चों, ठीक है। लेफ्ट करिए, मैं भी लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी लेफ्ट कर रहा हूँ। बाय बच्चों, बाय 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 सर, बाय।